Assalamualaikum alaikum students i hope all of you fine uh, today i will tell you about purpose and syntax comments in c language why we use uh, comments what are the comments where we use comments uh, i uh, about these things i will tell you in this video uh, just um, listen and write uh, some points uh, what are i'm saying ओके लेट स्टार्ट कमेंट्स आर स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्रामिंग डेट आर इग्नोर्ड कम्पाइल मतलब कि कमेंट्स वो पार्ट होती हैं प्रोग्राम का या कोड का किसी भी लैंग्वेज के वो चाहे सी की कैसी प्लस प्लस के सी शॉप के किसी भी लैंग्वेज का वो पार्ट होते हैं जिसको हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं क्यों करते हैं उनका कोई कंपाइलेशन या फंक्शन की तरह कोई कोई भी जोसा है ना कोई वर्क नहीं होता वो जिस तरह किस लिए हम यूज़ करते हैं किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारा कोड कोई नेक्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन देखता है तो उसको उसको समझ आ जाए कि इस कोड की लैंग्वेज का क्या मतलब है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि ये ये जो हमने लूप यूज़ किया है ये क्यों यूज़ किया है इसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग जस्ट लाइक कह लें और कमेंट्स हमेशा इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज हाई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं ठीक है और हर एक लैंग्वेज uh, का अलग सिंटेक्स uh, है कमेंट्स लिखने का जैसे मोस्टली uh, का सेम है जैसे सी और सी प्लस प्लस में सेम है सी सॉरी जावा जावा में चेंज uh, है सिंटेक्स कमेंट्स लिखने का डेट्स वाई दिज आर डिटल डिफरेंस बिटवीन दैम अगर परपज ऑफ़ राइटिंग कमेंट्स परपज़ जो मैंने आपको वही बता दिया है पहले दे फैसिलिटेट दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड मतलब कि ये फैसिलिटेट करता है सहूलत फ्राहम करता है कमेंट्स के प्रोग्रामर कर सके कोड को अंडरस्टैंड टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और ऑन कोड इवन आफ्टर राइटिंग एट जैसे कि आपको बताइए कि ह्यूमन बींगस हैं थोड़े दिनों बाद हम भूल जाते हैं कि हमने कैसे किया था या किस तरह किया था तो ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि हम अपना खुद का कोड ही समझ सकें कुछ दिनों बाद कुछ सालों बाद ठीक है सो डेट्स वाई वी यूज़ अच्छा अब कमेंट्स लिखने का सिंटेक्स क्या है दो तो तरह से हम कमेंट्स कर सकते हैं एक सिंगल लाइन कमेंट्स एक मल्टी लाइन कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स वो होता है जो सिर्फ एक लाइन होती है कमेंट्स की यानी कि उसमें बस एक ही लाइन होती है और जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं उसमें हम एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट्स करते हैं यानी कि समझाने के लिए कि ये इस इस जगह पे ये फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ठीक है तो देखिए सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं डबल स्लैश फिर डबल स्लैश एनी जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा स्टार्ट विथ डबल स्लैश आफ्टर एनी थिंग डबल स्लैश आफ्टर एनी की जगह पर जो आपने अपने कोड की जिस लाइन को या कोड की जिस पार्ट को आपने कीवर्ड्स लिखना है या समझाना है कि यहाँ पे मैंने ये फंक्शन परफॉर्म किया वहाँ यहाँ पे एनीथिंग के अंदर हम वो लिखेंगे ठीक है ऐसे ही जो सेकंड है मल्टी लाइन कमेंट्स उसमें ये होगा कि स्लैश स्टारिक एंड एंड एट स्टैरिक स्लैश ये मल्टी लाइन के लिए होता है जब हम एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट्स करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एंड एंड एट यहाँ पे हम अपना कमेंट्स लिखेंगे जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा नीचे ये देखिए ये मल्टी लाइन कमेंट्स किया गया है क्योंकि ये तीन लाइनों में हमने लिखा है अगर यही वर्ड्स हम एक लाइन में लिखते यानी कि दिस इज जस्ट दिस इज लिखते तो हम क्या करते पहले भी स्टेरिक की जगह डबल स्लैश कर देते फिर लास्ट पर इसके बाद भी डबल स्लैश कर देते हैं ये हो जाता है सिंगल लाइन कमेंट्स ठीक है फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल कोड ये देखिए इधर ने कोड की एग्जाम्पल दी हुई है कि ये देखिए ये डबल लाइन कमेंट्स हुए हैं ना आ, मतलब कि मल्टीपल लाइंस यानी कि ये दो लाइन है एक से ज्यादा लाइन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये देखिए स्लैश टैरिक और स्लैश लेट के साथ हमने क्लोज़ किया हुआ है आप देखिए नीचे जो हमने न, सिंगल लाइन कमेंट किया हुआ है ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन हेयर फ्रॉम हेयर तो देखिए इन्होंने जस्ट ये आ, डबल स्लैश लगाई हुई है ठीक है So I think uh, students uh, uh, you know about uh, uh, comments uh, all of things. And uh, I hope you are enjoying this lecture. And this is more uh, uh, beneficial for you. I explained it very deeply and clearly. If further if you have any question about this then you can comment and uh, I will uh, must reply you. And thanks for watching this video. Allah Hafiz. Take care.